अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रात के इस पहर औरंगी टाउन की गलियों में मैं क्या कर रहा हूँ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 3, 2, 1। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबरार आलम, न्यू व्लॉग के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आ गया हूँ औरंगी टाउन खतरा हॉस्पिटल के पास, जो कि 8.5 नंबर के नाम से मशहूर है यहाँ के लोग, बल्कि नियरेस्ट 4 बत्ती के नाम से भी जानते हैं। मैं एड्रेस पूछ रहा था तो 4 बत्ती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक गली है जिनके कुछ दोस्तों ने मिलकर ये जिम्मेदारी उठाई है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि ये पहले रमज़ान से लोगों को खिला रहे हैं और तकरीबन 10-12 लोगों से स्टार्ट किया था, अभी 70-80 लोगों को जाकर पहुँचा रहे हैं शहरी। आए इनको दिखाता हूँ मैं आपको, ये खुद मेहनत करते हैं, ये देखें आप, ये खुद मेहनत करते हैं, खुद रोटियां पराठे बनाते हैं, खुद ही ये सालन बनाते हैं। ये साहब बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से आपने बनाया, ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी, ये जो बनाया है इन्होंने तरकारी। रोज़ाना की बुनियाद पे ये मेन्यू चेंज करते हैं, किसी दिन चिकन है, किसी दिन गोश्त है, किसी दिन सब्ज़ियाँ हैं, किसी दिन, मतलब रोज़ाना जिस तरह से घर में ये खुद खाते हैं उसी तरह से 70-80 लोगों को ये जाकर पहुँचाते हैं शहरी। घरों पर दस्तक देकर ये खुद पहुँचा कर आते हैं, दिन में जाकर पहले देख लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, लोगों से मालूम कर लेते हैं कि कहाँ पर शहरी देनी है, कौन इसका मुस्तहक है। तो ये दोस्तों के पास में आए, सारे दोस्त यहाँ पर देखें लगे हुए माशाल्लाह, बहुत खिदमत वाले, बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत ही मुझे खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी की ये है, ये जो सारे इंतजाम कर रहे हैं 70-80 लोगों का, ये खुद कर रहे हैं, ये खुद बनाते हैं पराठे, खुद बनाते हैं सालन, खुद सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। ये जो 6-8 दोस्त नज़र आ रहे हैं आपको इस गली के, और गली वाले की ये कॉपरेशन है कि गली में इस तरह से काम कर रहे हैं और गली वाले भी कॉपरेट करते होंगे मेरे ख्याल से। बहुत खुशी हुई भाई, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में, माल में इजाफा अता फरमाए, आप लोगों की इज्जत में बरकत अता फरमाए। मोहल्लों वालों को भी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको भी तमाम चीज़ें जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी फरमाए, अल्लाह पाक इनके भी इज्जत में इजाफा फरमाए। ये जो लड़के खिदमत कर रहे हैं अपनी मदद, आप यहाँ पर देखते हैं कि ये अभी मैंने चेक किया है कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से पराठे बनाए। चेक खा कर चेक नहीं किया मैंने, देखा है सिर्फ कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये 6-8 लड़के नज़र आ रहे हैं ये खुद ही करते हैं, मोहल्ले वालों के साथ मिलकर शहरी प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद है, इसके मुस्तहिक है। यहाँ पर मेरे साथ एक दो दोस्त, इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर क्या नाम है आपका? भाई जुबैर नाम है। जुबैर भाई, ये आप बताना चाहेंगे कि ये जो खिदमत कर रहे हैं आप लोग, ये कब से स्टार्ट किया आपने और कब? भाई पहले रोज़ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, अपनी मदद आप कर रहे हैं माशाल्लाह, जो जेब पॉकेट होती है उससे कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, कोई मिले नहीं है, कोई गार्मेंट्स कंपनियां नहीं है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। यानी कि सैलरी बेसिस पर काम करने वाले हैं। बताएंगे कि ये कितने लोगों को पहुँचाते आप जाकर शहरी? तकरीबन भाई 70-80 बंदों को, 70-80 बंदों को पहुंचा देते हैं शहरी। ये आप शाम से स्टार्ट कर देते हैं बनाना तैयारी? ज़ाहिर है रोज़े के, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस तो आप लोगों को होगा नहीं, मगर ये खुद खिदमत जो है ना खुद कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4-5 बजे से स्टार्ट करते हैं, फिर घरों में डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं शहरी के वक्त। शहरी से पहले डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, यानी कि 3 बजे तक शहरी कर लें, ताकि वो 3 बजे तक आप जाकर डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। रोजाना मेन्यू चेंज करते हैं या एक ही? अच्छा हाँ, मेन्यू चेंज होता है रोजाना। जैसे कि आज क्या बनाया हुआ है? आज हमने बनाया हुआ चने की दाल और लौकी। चने की दाल और लौकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त डिश है। आपने भी देखी होगी? हाँ मैं भी चेक कर रहा था वो पतीले को खोलकर, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और सबसे ज्यादा जो खुशी हुई, आप यकीन करें मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लड़के नहीं है आपके पास कुकिंग वाले, पर ये लड़के जो लगे हुए हैं ना, ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनके मेहनत को, जज्बों को कबूल फरमाए। आप लोगों के साथ साथ हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे किसी की मदद कर सकें। अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए नाज़रीन। आप यकीन करें मुझे सालन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, पर ये लड़कों का जज्बा देखकर मैंने ये सोचा कि ब्लॉगिंग तो हो गई है, क्यों ना थोड़ी सी खिदमत भी कर ली जाए।
घर में टेढ़ी वेढ़ी रोटी मिलती है तो लोग गुस्सा कितना करते हैं, यहाँ पे लड़के बना रहे पर सीधी रोटी बन रही है, आप ये चेक करें। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ खिदमत कर रहे हैं अवाम उन्नास की, औरंगी टाउन हो, कराची का कोई सा भी एरिया हो, आप मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट्स के ज़रिए बताएं, मैं आऊँगा आप तक। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।